Hello students, so today's question is, what is the most important fossil fuel? Yes, it is coal. Now my question is, India में ऐसे कौन से states हैं जहाँ पे ये coal मिलते हैं? So, सबसे पहले हम लोग इस बात को discuss करते हैं कि जो coal है, coal की genesis क्या है, formation कैसी है? सबको पता है कि coal कैसे बनता है? By the dead and decomposition, dead plants and animals का जो decomposition होता है for the million of years and due to high temperature and प्रेशर इट इज फॉर्म्ड. ओके, तो ये चीजें कहां पे पॉसिबल होंगी? जहां पे खूब सारा फॉरेस्ट होगा. फॉरेस्ट पे क्या होता है? झाड़ियां. और झाड़ियां से कौन सी नई प्लेस आई? झाड़िया. सो झाड़िया के अंदर बहुत सारा कोल है. देयर इज वन प्लेस कॉल्ड झाड़िया वेयर यू फाइंड कोल इन अबंडेंस एंड दिस झाड़िया प्लेस इज लोकेटेड इन जे झारखंड. नाउ लेट मी टेल यू सबसे पहले कोल मिला कहां था. तो ऐसी एक कहानी है कि जब ब्रिटिशर्स की जो क्वीन यहाँ पर आई थी, तो जब वो सर्वे पे निकल रही थी और कोल माइनिंग की तरफ से निकल रही थी, तो उनके सर पे एक कोल गिर गया जलता हुआ, जिसकी वजह से उनको बाल कटाने पड़े और उसका नाम पड़ा रानीगंज. रानीगंज ही होगी जब उसके सर पे कोल पड़ा. तो रानीगंज इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी फाउंड द कोल. सो रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, जहां पे सबसे ज्यादा कोल होगा वो जगह सबसे ज्यादा अमीर होगी, क्योंकि कोल है, फॉसिल फ्यूल है, खूब सारा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी क्रिएट होगा. तो यहां से एक और नाम क्रिएट हुआ, धनबाद. धनबाद, धनी लोग. और जहां सबसे ज्यादा धन होता है वहां सबसे ज्यादा लोग भीख भी मांगने आते हैं. तो भीख से हो गया बोकारो. सो अनदर प्लेस इज बोकारो. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर यू फाइंड कोल. एंड राजस्थान के अंदर भी आपको कोल मिलता है, बट इट इज नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी, इट इज ऑफ वेरी इंफीरियर क्वालिटी. तो राजस्थान एंड तमिलनाडु के अंदर हमको लिग्नाइट और पीट के जैसा क्वालिटी मिलता है, जिसकी वजह से हम लोगों को इम्पोर्ट कराना पड़ता है बिहार से. दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेट्स विच यू हैव टू लर्न इन योर कोल मैटर. थैंक यू सो मच.